हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। ABVMU BSc नर्सिंग सीनेट 2023-2024 सभी का रिजल्ट आ चुका है कल फ्रेंड्स। ABVMU की ओरिजिनल साइट पर आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अब आपका इंतज़ार समाप्त होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। अब काउंसलिंग चालू होने जा रही है कब से, सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, RAJSP371। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको डायरेक्ट से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट ओपन कर लीजिए। जिसको नहीं पता है किस तरीके से ओपन करना है, सो यहाँ पर डायरेक्टली आप ABVMU डाल करके सर्च करेंगे तो उसके बाद में आपको ओरिजिनल वेबसाइट दिख जाएगी। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपका काउंसलिंग के लिए कुछ डिटेल आया हुआ है। तो यहाँ पहले वाले जो बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ठीक है, इसी बॉक्स को आप क्लिक करना। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। सो क्लिक कर लेते हैं। तरीके से आपका ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर की भी आ चुकी है, सभी ने अपनी आंसर की मैच कर ली हो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ सेकंड वाला पैरा आपको नज़र आ रहा होगा, सीनेट 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर BSc नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका शेड्यूल है आ चुका है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं आखिरकार है क्या, डाउनलोड कर लेते हैं क्या यहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है। सो डायरेक्टली इसको क्लिक कीजिए। क्लिक होने के बाद में आप डाउनलोड कर लीजिएगा किसी भी आप PDF ओपनर से, ओपन करके आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए शो हो जाएगा, आपको ये शेड्यूल आपका आ चुका है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से, जो कि BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है और काउंसलिंग की प्रोसेस दी गई है, शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट मेंशन हुआ है, डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है। प्रोसीजर यहाँ पर दिया है, ये राउंड वन के लिए है, राउंड सेकंड के लिए नीचे आपको दिया है, ठीक है। मॉप ऑफ राउंड के लिए दिया है, स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 1 अगस्त, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 अगस्त 2023 से आपका सेशन स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि आपकी बहुत ही जल्दी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपको एडमिशन भी जल्द से जल्द कराने की ये पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। कर दूंगी, चाहे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो मैंने प्रोसेस बताया है उस तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली। तो देख लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, आपको यहाँ पर डेट दी गई हुई है इस डेट को। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 21/6/2023 वेनेसडे को टिल 12 बजे तक आपका रहने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ये एंडिंग होगा, आपको इससे पहले रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर देना है, ठीक है, 21/6/2023 में, ठीक है। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिल करने की डेट है वो लास्ट आपकी रहने वाली है, एंड ऑफ चॉइस फिलिंग यहाँ पर 22/6/2023, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलोकेशन, ठीक है, जो आपकी सीट का वितरण होगा, अलॉटमेंट होगा, वो आपको 25 तारीख को देखने को मिलेगा जून में, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेटेड एट एडमिशन प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर डेट मेंशन है, इस डेट तक आपका रहने वाला है, ठीक है। 26/6/2023 को और 5/7/2023 के बीच में, ठीक है, शाम के 5 बजे तक आपका ये प्रोसीजर रहेगा। तो ये तो रही राउंड फर्स्ट की बात में, सेकेंड राउंड यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड क्या है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की जो डेट होगी वो 10 तारीख दी गई है, ठीक है। और एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 14 को एंड चॉइस फिलिंग 15 को, जो कि आपका 7 है, मंथ भी देख लीजिएगा, ठीक है, 7 को है, 10/7/2023। सीट अलोकेशन आपका 17/7/2023 को होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आपका इतनी डेट को रखा जाएगा, ठीक है। मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये एक बार आप खुद से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 अगस्त से पहले एडमिशन पूरे हो जाएंगे सभी का। चॉइस फिल जो भी डेट यहाँ पर दी गई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप वहाँ से इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेना, खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर आपका रहने वाला है।
सो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, ऐसा होता है ना, काफ़ी बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चला रहे होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।